आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला नागरिक मंच उमरिया द्वारा नर्मदा एक्सप्रेस का उमरिया जिले के चंदिया एवं करकेली में स्टॉपेज नहीं होने पर महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला नागरिक मंच के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने बताया कि दिनांक 26/12/2020 से नर्मदा एक्सप्रेस पुरानी ट्रेन को नए नाम से परिचालन जा रहा है और मैं उक्त ट्रेन का स्टॉपेज चदिया एवं करकेली में नहीं है। वहां के रहवासी ट्रेन के माध्यम से अपने दैनिक जीवन के कार्य करते थे। ट्रेन नहीं चलने से लोगों को व्यवहारिक कठिनाई हो रही है। आज महाप्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम स्टेशन मास्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापित किया गया है कि पूर्व की भांति नर्मदा एक्सप्रेस का स्टॉपेज चंदिया एवं करकेली में किया जाए, अन्यथा नगरीकरण आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेल प्रबंधन एवं महाप्रबंधक बिलासपुर जोन की होगी। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह, व्यापारी सुरेश सच देवा, ख्याति प्राप्त चित्रकार आशु स्वामी, सेवानिवृत्त शिक्षक मुकेश वर्मा, सेवानिवृत्त समाज सेवी संतोष सिंह, पत्रकार नीरज सिंह सहित भारी संख्या में नागरिक जन उपस्थित। नागरिक मंच आज उमरिया में जो 33 और 34 ट्रेन पूर्व की भांति करकेली और चंदिया में रुकती है, उसका स्टॉपेज बंद कर दिया गया। सुपर एक्सप्रेस के नाम पे जो रेलवे बोर्ड है पूरे नागरिकों के साथ, जिले के नागरिकों के साथ, यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। आज हमने यहाँ पे महाप्रबंधक के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि चंदिया में और करकेली में 33-34 का स्टॉपेज किया जाए, क्योंकि वहाँ के जो रहवासी हैं, वहाँ के जो गरीब लोग हैं, वहाँ की आम जनता उमरिया और शहडोल जाते हैं, अपना काम करते हैं। यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो निश्चित रूप से उनके जीवन यापन में, उनके काम करने के तरीके में प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया और कहा है महाप्रबंधक जी को, यदि आप ट्रेन नहीं रोकते हैं तो आने वाले दिनों में यह चंदिया, उमरिया और यहाँ से करकेली के रहवासी सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन और ट्रेन रोको आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी महाप्रबंधक बिलासपुर जोन की होगी। आज यहाँ पे नागरिक मंच के आह्वान पे संक्षिप्त में हम लोगों ने लोगों को बुलाया, लोग उपस्थित हुए। हम सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं और स्टेशन मास्टर से मांग करते हैं कि हमारा जो मेमोरेंडम है तत्काल बिलासपुर जोन को भेजा जाए और शीघ्र से शीघ्र ट्रेन रुकवाने के लिए जो भी सार्थक पहल है वो किए जाए, अन्यथा जिला नागरिक मंच आगे भी इसी आंदोलन को करता रहे और इसकी समस्त जिम्मेदारी एक बार पुनः हम बता देना चाहते हैं कि ये बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक की होगी। धन्यवाद।